सीओन पे BS4 निकल गया यार, वो आगे निकल गया यार। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, यह है अपना पल्सर 150 BS4 एंड यह है अपना पल्सर 150 BS6 एंड बहुत मजा लगा यार, भगा के बहुत मजा लगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग ना एक छोटा मोटा इनिशियल रिग्रेस करेंगे पल्सर 150 BS4 और पल्सर 150 BS6 के साथ। देखते हैं किस गाड़ी में कितना है दम, एंड मुझे लगता है कि यही गाड़ी जीतेगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली इस गाड़ी का वीडियो बनाया था राइड रिव्यू वाला, उसमें देखा इस गाड़ी का इनिशियल ना बहुत अच्छा है, माइंड ब्लोइंग इनिशियल है। तो मैं ये गाड़ी नहीं चला रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी की हैबिट नहीं है, एंड मैं यही गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि इस गाड़ी की हैबिट है। एंड पैनिक में ना इस गाड़ी को रुका सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ ये है ना बहुत दिनों से, तो वो गाड़ी में उतना बैठा नहीं है हाथ जो है ना, तो मुझे लगता है यही गाड़ी जीतेगा। बाकी देखते हैं कि कौन सा गाड़ी जीतेगा। इनिशियल थोड़ा सा डिग्रेस करेंगे, फ्रेंडली करेंगे देखने के लिए, वैसा रास नहीं करेंगे क्योंकि रोड यहाँ पे है ही नहीं, छोटा मोटा रोड है तो ज़्यादा रिक्स लेके फ़ायदा नहीं है। वही जीतेगा लगता है हमको भी। 3 ओरन में आ, चलो 1 2 3। ओ भाई साहब, इनिशियल में तो ये निकल गया था यार। इसको निकलने दिया मैंने, देखते हैं इनिशियल। हो गया, खराब है रोड, खराब है। तो भाई साहब ये गाड़ी ना इनिशियल में फाड़ता हुआ निकल गया BS6 यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। चलो फिर से एक बार ट्राई करेंगे, आप ये गाड़ी चलाना, वो गाड़ी निकलना चाहिए था यार। BS4 है उसमें बहुत रो पावर है, एक बार वो गाड़ी में ट्राई करूँगा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है BS6 जीत गया, BS4 जीतना था यार। BS4 में बहुत ज़्यादा पावर है, और एक बार ट्राई करेंगे। चलो छोटा सा इनिशियल रेस किया ना हम लोग ने 100 मीटर का। अरे ये गाड़ी भागना नहीं चाहिए था यार, ये BS6 है उसमें तो रो पावर है भाई साहब, ये कैसे भागेगा। एक बार फिर ट्राई करते हैं ना तो पता चल जाएगा। BS6 जितना नहीं था यार, वो मेंटेन नहीं है बल्कि होगा शायद, वो मैंने देखा उसके चेन स्पोकर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। इस गाड़ी को जीतना नहीं था यार। एंड अभी हम लोग ना राइडर स्विच कर रहे हैं, तो जो हमारा पहला आइटम था ना वो पल्सर 150 BS6 जीत लिया, एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मैं इस गाड़ी को एक बार चलाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले चलाया था, इनिशियल बहुत अच्छा था ना इसका। चलो थोड़ा बहुत स्किल्स भी मैटर करता है वो तो मानता हूँ मैं, लेकिन सेम CC है इसलिए इसमें स्किल्स मैटर करता है, इसमें पावर मैटर नहीं करता है। चलो फिर भी BS6 को मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे, आओ तो अभी हम लोग ना ट्राई करेंगे 3 ओरन पे। BS4 निकल गया यार, हाँ स्किल्स मैटर करता है ये समझ में आ गया। वो आगे निकल गया यार, स्किल्स भी मैटर करता है थोड़ा बहुत। तो सेकेंड अटेम्प्ट जो है ना वो पल्सर 150 ने जीत लिया, BS4 वाला ने। तो इसमें भी पावर है यार, आप ज़्यादा नहीं चलाते हो ना इसे, उसके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उसमें आ रहा है। सेकेंड अटेम्प्ट इसने जीत लिया, लेकिन
मुझे अभी भी भरोसा हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट भी यही जीता था अगर भाई थोड़ा एक्टिव रहते थे इसके चलाने में। तो ये वीडियो जो है ना वो किसको विनर बताएंगे यार, हम लोग ड्रॉ ही बताएंगे यार, लेकिन फिर भी BS4 में पावर है ये तो सभी को पता है। तो आज का ये वीडियो ड्रॉ हो चुका है आपके सामने, हमने दिखाया लाइव वीडियो, कोई काट वूट नहीं किया यहाँ पे। इसने भी काफ़ी अच्छा खींचा यार, उसने भी काफ़ी अच्छा खींचा, बस लॉन्चिंग ना अच्छा होना चाहिए था। एंड भैया का लॉन्चिंग पहले भी ख़राब हो गया था, इस बार भी ख़राब हो गया था, लेकिन दोनों गाड़ी में ना मस्त पावर है ये। इसमें आपको स्मूथनेस मिल जाता है, इसमें आपको रॉ पावर मिल जाता है, तो वही फ़र्क है, वही अंतर है। इसमें आपको कार्बोरेटर इंजन मिलता है, उसमें आपको FI इंजन मिलता है। ये गाड़ी थोड़ा सा स्मूथ है, लेकिन ये गाड़ी ना रॉ है, मतलब अंदर से निकल के आता है पावर जो है ना वो पूरा, ये गाड़ी ना फाड़ने खोजता है पूरा सब चीज़ को। तो बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी को भी चला के, एंड बहुत अच्छा था यार ये। बस इसका चेंज पकड़ थोड़ा बहुत साउंड निकल रहा है, एंड गाड़ी दोनों मस्त है। इसमें आपको सिंगल डिस्क पीछे ड्रम मिलता है, उसमें आपको डुअल डिस्क प्लस सिंगल चैनल ABS मिलता है, वो BS6 है ना उसकी वजह से। एंड जो मेन थिंग, इसमें आपको किक मिलता है, उसमें नहीं मिलता है बॉस। तो हेयर अदर रिजल्ट गाइस, जैसे कि आपने देख लिया हमने इस दोनों गाड़ी के ना ड्रैग रेस किया छोटा मोटा एक, एंड जो ड्रैग रेस था ना उसमें दोनों ने बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन जो है ना वो किया, एंड दोनों ने बहुत अच्छा अपना पावर दिखाया। दोनों राइडर अगर रोज़ चलाने वाले होते थे ना तो पता चलता था कितना अंतर है। वो भैया रोज़ नहीं चलाते ना इस गाड़ी को, तो स्किल जो है ना उतना ज़्यादा भैया के पास नहीं है, लेकिन ये गाड़ी भी बहुत मस्त है, मस्त मस्त परफॉर्म कर दिया इस गाड़ी ने भी। तो दिल जो है ना वो पूरा खुश कर दिया मेरा, बहुत दिनों बाद BS4 देखा हूँ मैं यार। एंड ये है अपना BS6, आजकल ना हमारे घर के यहाँ पे BS6 ही देखने के लिए मिल रहा है ज़्यादातर। तो गाइस जैसे कि आपने देखा यह है अपना पल्सर 150 BS4 एंड यह है अपना पल्सर 150 BS6, एंड बहुत मज़ा लगा यार भगा के, बहुत मज़ा लगा। तो देखा हमने कितना पावर किस में है, तो मैच जो है ना वो ड्रॉ हो चुका है, एंड थोड़ा बहुत राइडर स्किल जो है ना वो इम्प्रूव भी होना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने भी। तो चलिए गाइस आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ स्टे होम। ये वीडियो बस इतना ही।